कि अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से शादी करना चाहते हैं तो एकदम सावधान रहिएगा, आपका जीवन नरक हो सकता है, आपके ऊपर 376 का मुकदमा लिख सकता है। ये कैसे लिख सकता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, इनके थ्रू लोग शादी कर रहे हैं। ये शादी तो ठीक है, इनका जो पर्पस बनाया गया है इन वेबसाइट्स का, इनका पर्पस ये है कि ताकि लोगों को मैचेस मिल जाए, इधर उधर हैसल फ्री तरीके से ये लोग जो है अपना अपना शादी ब्याह कर लें। इसका पर्पस तो एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन इस पर गैंग चल रहा है। गैंग चल रहा है महिलाओं का गैंग क्या चल रहा है, वो एक इनअप्रोप्रिएट तरीका अपना रही है जिसके माध्यम से वो लड़कों को फंसा रही है, उनके ऊपर 498 ए लिखा रही है और 376 के मुकदमे लिखा रही है। मैं यहाँ पर किसी महिला को गलत साबित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हर दिन एक ऐसा केस आता है जो मैट्रिमोनियल साइट से रिलेटेड होता है और उसमें कहीं ना कहीं पुरुष फंसाया गया होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रॉन्ग गर्ल्स दोज हु आर डूइंग दिस, आई एम नॉट क्लेमिंग कि सब गलत है, ठीक है, ना पुरुष सही है ना महिला सही है, एवरीबडी इज इक्विवेलेंट, तो सब दोनों की गलती हो सकती है, लेकिन हमारा जो कानून है वो महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हमारे एक इंडियन नेवी के जवान हैं, उन्होंने shaadi.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई और उनका मैच एक महिला के साथ हुआ और इनके बीच में बातचीत हुई तो इन लोगों ने जो है ये डिसाइड करा कि हम लोगों को मिलना है, मिलके जो है फैमिली के साथ जो है आगे बातचीत हम लोग करते हैं। टेलीफोनिकली लगभग 6 महीने इन लोगों ने बात करी। अब क्योंकि ये ठाकुर साहब थे, ये सिंह लिखते थे और महिला जिसकी प्रोफाइल बनी हुई थी वो भी सिंह लिखती थी, और क्योंकि ये क्षत्रिय महाराज है, इन्होंने सिंह लिखा हुआ और इन्होंने बताया कि मैं फलाना क्षत्रिय हूँ और उन्होंने सिंह लिखा हुआ है, उन्होंने वो अपना नहीं बताया क्योंकि शी वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम SC ST कैटेगरी, उन्होंने नहीं बताया कि वो ठाकुर है कि नहीं है। उन्होंने पूछा भी कि आप कौन से ठाकुर हो तो उन्होंने बताया नहीं, और ठीक है ये कहानी यहाँ पर होती कि ना उन्होंने अपना मतलब जो है अपनी जाति को छुपा के रखा और ठाकुर साहब से छुपा लिया। अब ठाकुर साहब को जब पता चलता है, अब जब उनके घर पहली बार मिलने जाते हैं तो उनके यहाँ जाति सूचक चीजें रखी हुई होती हैं जो रखी जाती हैं आमतौर पर, ठीक है, तो उन्होंने जो है जब देखा जय भीम जय भीम वाला कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने कहा कि ऐसा यार मुझे तो इनके यहाँ शादी नहीं करनी क्योंकि इन्होंने मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपाया हुआ। अब वो उनके घर से लौट के चले आते हैं और शाम को मना कर देते हैं कि देखो हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुमने अपनी कास्ट मुझसे छुपाई और मुझे पता चल गई, ठीक है, यहां तक ओके। उसके बाद क्या सीन शुरू होता है, अब कहानी सुनो। कहानी ये है यहां पर कि पहली बात तो महिला वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रही होती है और उसके पास जय भीम वाले सारे चिन्ह घर में मौजूद होते हैं। मैं यहां पर जातिगत बिल्कुल नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, और उनके घर वो पहुंचते हैं और उसके बाद मना कर देते हैं, मना कर देने के बाद अपने घर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि उनका जो है जो ये नेवी के ऑफिसर साहब है, इनका स्वागत उनके घर पे कर दिया गया होता है माला पहना के, उस लड़की ने स्वागत करने के नाम पर इनको माला पहना दिया होता है, ठीक है, और टीका लगा दिया होता है कि हमारे घर में स्वागत ऐसे होता है, माला पहना दिया है, टीका लगा दिया। अब यहीं पर ट्विस्ट है, लड़की ने इसी फोटो का इस्तेमाल करा इनके ऊपर रेप चार्जेस लिखाने के लिए ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स ऑफ मैरिज। उसने दिखाया कि मेरी और इनकी इंगेजमेंट हो गई थी, चूंकि ये इंडियन नेवी में ऑफिसर है और इनके पास पैसा भरपूर है, हमारे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है और हमसे इन्होंने इंगेजमेंट कर ली, हमने छोटा सा घर में फंक्शन ऑर्गेनाइज करके एक इंगेजमेंट करी और इन्होंने हमसे इंगेजमेंट कर ली और हमसे इंगेजमेंट के बाद इनको कहीं पर फॉर्च्यूनर मिल रही थी, इसलिए इन्होंने हमसे इंगेजमेंट तोड़ दी और शादी की डेट एक फिक्स थी, झूठी डेट बता दी, कार्ड छपवा लिए फर्जी के 50 ठो और बता दिया कि इस दिन हमारी शादी फिक्स थी और इस लॉन में फिक्स थी और उसके बाद इन्होंने तोड़ दिया 2 दिन पहले। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, और उसमें क्या लगाया कि शादी का झांसा देते हुए पिछले 6 महीने से मेरे साथ बलात्कार करते रहे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, आप उनके घर गए हो लड़की देखने के लिए, अमूमन लड़कों का स्वागत पहली बार बलि का बकरा बनाने के लिए माला पहना के टीका लगा के आरती करके कर दिया जाता है, उन्होंने उसको इंगेजमेंट प्रेटेंड कर दिया,
इंगेजमेंट प्रटेंड करने के बाद उन्होंने फॉल्स प्रटेक्स ऑफ मैरिज शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने के संदर्भ में एप्लीकेशन दे दी, FIR दर्ज हो गई। अभी नेवी के अफसर साहब भागते भागते फिर रहे हैं कि अब हम क्या करें, कहां जाएं, क्या जेल में रहें कि नौकरी छोड़ दें, क्या कर लें। अब आप समझ सकते हो। और दूसरी चीज, इनके साथ क्या हुई, लड़की ने कभी उनको नहीं बताया कि वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती है। 376 के साथ SC ST भी लगा दिया। अब आप अंदाजा लगा लो, हम आपको चोर कह दें कि आप चोर हो तो हमें साबित करना पड़ेगा आप चोर हो ना, लेकिन हमने एक जाति सूचक शब्द कह दिया है आपको, तो वो साबित नहीं करना है, जेल जाना है, ऐसा कानून है हमारा ये। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो कि घर जा रहे हो अगर लड़की देखने के लिए मैट्रिमोनियल साइट से, तो पूरा नेक्सस चल रहा है, पूरा गैंग चल रहा है। कुछ लोग उसमें से शादी कर लेंगे, कुछ लोग रेप के चार्जेस लगा देंगे, जिन जो हैबिचुअल है रेप चार्जेस लगाने वाले वो रेप चार्जेस लगा देंगे, 20 लाख 25 लाख आपसे वसूल लेंगे, साल में 2 मुर्गे भी फंस गए तो उनका काम हो गया, 50 लाख रुपए उनके अंदर हो गए। और कुछ लोग इसी में से हैं कि वो घर में आएंगे, शादी आपसे करके 498A लिखाएंगे, DP Act में मुकदमा लिखाएंगे, घर वालों के ऊपर 376 354 लगाएंगे, मैट्रिमोनियल साइट्स की बात बता रहा हूं, और ये एकदम रियलिटी है, फैक्ट है। जितनी FIR का उतनी मैं दे दूं, मेरे पास दिन में कम से कम 20 FIR मेरे फोन में लोग भेजते हैं कि साहब मैट्रिमोनियल साइट से शादी करी थी और ऐसी ऐसी चीजें हो गई। और दूसरी चीज इनके साथ और हुई, ये होटल्स वगैरह में लोग मिले, होटल्स में मिलने का मतलब मेरा रेस्टोरेंट में मिलने से है, खाना पीना खाने गए और उन्होंने दिखा दिया कि इस होटल पर बुलाया और उसके बाद मेरा शारीरिक संबंध बनाया। और पुलिस को इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो होटल यानी कि वो रेस्टोरेंट में रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है, जिस रेस्टोरेंट्स में गए उसके बिल लगा रहे हैं तो उसमें दिख रहा है कि भाई साहब वो रेस्टोरेंट है, वहां पर होटल्स नहीं है, वहां सोना नहीं होता है, टेबल के नीचे घुस के सेक्स कर लिया उसने। पुलिस को जांच तो करनी चाहिए। तो पुलिस ये है कि अप्रोप्रिएट तरीके से आप जाके जांच करो और उसके बाद कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस को कोई लेना देना नहीं, पुलिस को फंसाना है लोगों को, लाइफ स्पॉइल करनी है, खत्म करना है, ठीक है। अब तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि FIR आपके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाएगी अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से शादी करने जा रहे हो तो, अलर्ट नहीं रहोगे तो लड़की देखने से पहले एकदम सावधान रहो, उसकी डिटेल्स चाहे डिटेक्टिव लगा के आपको पता करनी पड़े अच्छी तरीके से पहले पता कर लो तब जाओ, वरना जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट हमारे पूर्वजों द्वारा चलाया गया था कि लड़की को ऐसे ऐसे करना है उसी कॉन्सेप्ट पर चलो, अदरवाइज मत चलो, नहीं तो SC ST Act में मुकदमा लिखा जाएगा, 376 में लिखा जाएगा, 354 में लिखा जाएगा, शादी कर लाओगे तो 498 लिखा जाएगा, और हो सकता है भाई भाई के ऊपर 376 लिख जाए, ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपका काम जरूर होगा, इससे हेल्प जरूर कुछ ना कुछ होगी। तो ऐसा कुछ है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दूसरी चीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।